अस्थमा दमा की समस्या है ना दोस्तों, तो आज की वीडियो आपके लिए बेहद गुणकारी है। ये जो दमा की प्रॉब्लम होती है अस्थमा की, जैसे ही मौसम चेंज होता है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब दिवाली के मौसम में तो ये बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि एक तो पहले दिवाली की सफाई करते हैं और उसके बाद जो बम पटाखे छोड़ते हैं उनसे इतना पॉल्यूशन हो जाता है कि अस्थमा के पेशेंट का तो बुरा हाल हो जाता है और बहुत सारे लोगों को तो पंप भी लग जाता है। आज की जो रेमेडी है ये आपको 2 दिन में ही अस्थमा से छुटकारा दिलाएगी और जो पंप लग जाता है ना उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। वीडियो को पूरी देखना, इस वीडियो में मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी और दोनों ही आपने यूज करने हैं। अगर आप दोनों तरीके यूज करते हो तो ये आपके लिए 100% इफेक्टिव है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सभी को नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप आए हैं किचन शाला में और किचन शाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए, ये मैंने ली है लौंग। लौंग तो आप सभी पहचानते ही होंगे, सबके घर में मिलती है, खाने में भी हम यूज करते हैं और जैसे किसी के जाड़ में दांत में दर्द हो जाए तब भी यूज करते हैं। ये लौंग जो होती है ना दोस्तों गर्म तासीर की होती है और अस्थमे के पेशेंट के लिए बेहद लाभदायक है। जो चलते चलते सांस फूल जाती है, बार बार बलगम बनता रहता है, गले में फंस जाता है, उन सब को दूर करने के लिए ये बहुत इफेक्टिव है। आपको इसके लिए फूल वाली लौंग लेनी है, ये ज्यादा इफेक्टिव होती है। और ये देखिए दूसरी चीज ली है अजवाइन। अजवाइन भी सबके घर में होती है, खाने में हम यूज करते हैं, खाने को ये डाइजेस्ट करने का काम करती है और गैस वगैरह नहीं बनने देती, लेकिन इसका अस्थमे के लिए बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। आज मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी और दोनों ही आपने यूज करने हैं। ये जो 2 चीज हैं लौंग और अजवाइन, दोनों ही गर्म तासीर की हैं। सर्दियों में तो सब आराम से ले ही सकते हैं, गर्मियों में भी ले सकते हैं, लेकिन गर्मियों में थोड़ी क्वांटिटी कम कर लेनी होती है। अब एक पतीला लेंगे और इसमें 1 गिलास पानी डाल लेते हैं। यहाँ मैं 1 कप के हिसाब से बना रही हूँ दोस्तों। इसमें हम पानी थोड़ा गर्म हो जाएगा जब, ये 5 लौंग डाल देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, 5 लौंग बहुत हैं, और गर्मियों में बना रहे हो तो 2-3 ही डाल लेना। और इसमें ये 1/2 चम्मच से थोड़ी ज़्यादा है, 1 छोटी चम्मच इसमें ये अजवाइन डाल लेंगे, गर्मियों में बनाए तो 1/2 चम्मच डाल लेना। और दोनों चीज़ों को अच्छे से उबलने देंगे, उबाल आने के बाद भी इसमें थोड़ी देर पकाएंगे ताकि ये जो 1 गिलास पानी लिया ना ये 1 कप बच जाए, 1/2 गिलास ये रह जाए। इसको थोड़ी देर अच्छे से पका लीजिए ताकि जो लौंग और ये अजवाइन डाली है इसका फ्लेवर पानी में अच्छे से आ जाए। जब इसमें उबाल आ जाए ना दोस्तों तो आपने फ्लेम को थोड़ा कम कर लेना है, ये उबलती भी रहे और फ्लेम भी मीडियम रहे। तो आपने इसकी बांफ लेनी है, आपने इसकी तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है और लंबे लंबे सांस लेने हैं। जो बांफ लोगे आप वो अंदर तक जाएंगी और फेफड़ों में जो कफ जमा हुआ है उसको उखाड़ देंगी। ऐसा करने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जब भी आप ये काढ़ा बनाएं तो बांफ जरूर लें, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और ये देखिए, ये दोनों चीज़ें हमने पका ली हैं तो गैस को ऑफ कर देते हैं और इसको 1 गिलास में छान लेंगे। ये जो काढ़ा हमने बना लिया है इसको आपने गरम गरम ही पीना है दोस्तों। अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है तो ऐसे ही पी लीजिए, और शुगर की प्रॉब्लम नहीं है तो इसमें हम 1 चम्मच शहद डालेंगे, क्योंकि शहद भी हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, सर्दी खांसी जुकाम से भी बचाता है और ये बलगम वगैरह जो कफ जम जाता है छाती में इसको उखाड़ने में भी काफ़ी हेल्प करता है। अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम नहीं है तो इसमें 1 चम्मच शहद ज़रूर मिलाइए और इसको आपने गरम गरम ही पी लेना है। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप इसे दोनों टाइम पीजिए दोस्तों, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। अभी आपको जाना नहीं है, मैं दूसरा तरीका बताऊंगी जिससे आपका जो पंप लगा हुआ ना वो भी हट जाएगा। ये मैंने लिए हैं 6 पीस कपूर के, ये वही कपूर है जो हम हवन वगैरह में यूज करते हैं। इस तरह की ये डिब्बी मार्केट में मिलती हैं। देखिए ये दूसरी पतंजलि की डिब्बी है, आप जैसा चाहें वैसा खरीद सकते हैं, 1-1, 2-2 रुपए के पीस भी मिलते हैं अलग अलग, ये बहुत सस्ती चीज है और हमारे सबके घरों में ये सामान होते भी हैं। ये मैंने 6 पीस लिए हैं, इनको हम तोड़ लेंगे, ये बहुत आराम से टूट जाता है, या फिर किसी कपड़े में डाल के कूट लीजिए, आराम से कूट भी जाएगा। ये देखिए इसको मैंने इस तरह हाथ से ही तोड़ दिया है। और ये मैंने ली है 6 लौंग, 6 ही कपूर के पीस लिए थे और 6 ही मैंने लौंग ली है, ये भी इसमें डाल देते हैं। और 1/2 चम्मच लेंगे हम अजवाइन, ये भी इसमें डाल देते हैं। तीनों चीजों को मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे 1 सूती साफ कॉटन के कपड़े में बांध देंगे। कपड़ा कॉटन का ही होना चाहिए, कोई रेशमी कपड़ा ना लें, साफ कपड़ा होना चाहिए। आप देख ही रहे हैं मैंने बच्चों का स्कूल वाला हैंकी लिया है और इसकी हम बांध के एक इस तरह से पोटली बना लेंगे।
इसकी आपने इस तरह से पोटली बनानी है। और ये जो पोटली है ना दोस्तों, इसको आपने दिन में 5 से 7 बार सूंघना है। थोड़ी थोड़ी देर सूंघ लीजिए, जैसे आधी मिनट सूंघ ली तो 1 से 2 दिन में ही जो आपको पंप लगा हुआ ना, सांस लेने के लिए बार बार पंप लेते हो, वो हट जाएगा। ये होममेड इनहेलर बन के तैयार हो गया है, बेहद ही लाभदायक है। जो अजवाइन की, कपूर की और लौंग की जो स्मेल है ना, वो जैसे ही अंदर जाएगी, आप सांस लोगे तो वो आपके फेफड़ों को खोलती जाएगी। जो छाती में, फेफड़ों में कफ जम गया है ना, उसको हटा देगी और आप अच्छे से सांस ले पाएंगे। आज मैंने आपको ये 2 तरीके बताए, एक ये काढ़ा जैसा बना के पीना है और ये दूसरा होममेड इनहेलर बनाना है। एक को सूंघना है और एक को पीना है। बहुत ही बढ़िया ये तरीका है दोस्तों, बहुत इफेक्टिव है। आप दोनों लेना, 2 दिन में ही आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। आज की जानकारी इतनी ही थी। अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलते हैं एक और नई रेमेडी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।